The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, आज का हमारी बातचीत होने वाली है about ovarian cyst. So, डॉक्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है. अगेन मैं हूँ डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन और आज हम आपको समझाएंगे कि ओवेरियन सिस्ट के क्यों होता है, उसके सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है. फीमेल्स ये बहुत कॉमन कारण है, बहुत कॉमन बीमारी है, फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक, ज़रूर देखना है. देखिए ओवरी आपको पता ही है, आपके फीमेल ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक बड़ा सा यूट्रस है, बगल में इधर ओवरी है और ऐसा उधर से जॉइंट फेलोपियन ट्यूब्स हैं, आपको पता ही है. उसके नीचे सर्विक्स है, वजाइना है, यू नो राइट. सो ओवरीज में अगर कभी एक गुब्बारा बन जाए, पानी भरा फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाए, पॉकेट बन जाए, तो उसको हम कह सकते हैं ओवेरियन सिस्ट. अब ये क्या है, ये ओवरी के भीतर हो सकता है, ओवरी के अंदर हो सकता है और ये ओवरी के ऊपर हो सकता है. मतलब ये ओवरी है तो ओवरी के अंदर गुब्बारा है, दैट इज वन पॉसिबिलिटी, या ओवरी के ऊपर लगा हुआ है. सो दैट इज टू टाइप्स ऑफ थिंग्स. सो दोनों ही जगह पे इसको ओवेरियन सिस्ट ही बोलेंगे. अलग अलग प्रकार के ओवेरियन सिस्ट है और इसका जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है वो है इसके साइज और शेप का. जी हाँ, साइज एंड शेप, राइट. पहले पहले जो सिस्ट होती है नॉर्मली, देखिए ओवरी का जो साइज है वो तो बहुत छोटा सा एक आलमंड के शेप का साइज होता है दोनों साइड में. और जो, और इसके साथ हमारा जो छोटू वाला टॉर्च है उसने अपनी छलांग मारी, तो कोई बात नहीं. एनीवेज कमिंग बैक, एग्स जो होते हैं ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं आपके अंडे, यानी कि मैच्योर होते हैं एग्स जो है फीमेल ओवा, ओवम मैच्योर होते हैं, रिलीज होते हैं, वो होरो आते हैं फेलोपियन ट्यूब से आपके फर्टिलाइजेशन के लिए. और होता क्या है, कई बार ये ब्रेक नहीं हो पाते, ये एग्स जो होते हैं इसमें से मैच्योर होके ब्रेक नहीं होता आते, फेलो तो उसमें सिस्ट बन जाते. अब ऐसे में कई फीमेल्स को एक से ज़्यादा सिस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे सिस्ट हो सकते हैं. अगर ज़्यादा सिस्ट हो, मोस्ट ऑफ द सिस्ट कोई वैसे तो दर्द नहीं करते, ज़्यादातर हार्मलेस होते हैं. मेजॉरिटी सिस्ट, जितने ओवरीज में सिस्ट होते हैं खुद ब खुद कुछ ही हफ्ते कुछ ही महीनों में ठीक हो जाएंगे, दीज आर कॉल्ड फंक्शनल सिस्ट. और ओवेरियन सिस्ट जो होते हैं, जो अगर वो फूट जाएँ, रप्चर हो जाएँ, मतलब खासकर ओवरी के बाहर, ओवरी के अंदर है तो मेजर इशू नहीं है, ओवरी के बाहर अगर वो फूट जाएं तो वो जो भी उसके अंदर का जो सब्सटेंसेस होंगे वो पेट में गिर जाएंगे और पेट में फिर वो आपके कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं. सो दैट कैन बिकम सीरियस, और एल्स ओवरियन सिस्ट कोई मेजर सीरियस वाली प्रॉब्लम नहीं है. आपको सिम्टम समझने होंगे ओवेरियन सिस्ट के, पहली बात तो ये, उसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज में. अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है तो पहली चीज़, ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं पैदा करते, कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि उनको ओवेरियन सिस्ट है कि नहीं है जब तक वो बहुत बड़े नहीं हो जाते. साइज पे बहुत मैटर करता है, जब ओवेरियन सिस्ट बहुत बड़े हो जाते हैं तब वो सिम्टम पैदा करते हैं, वरना नहीं. और बड़े होने के बाद वो पेट में दर्द कर सकते हैं, पेल्विक पेन कर सकते हैं, डल या शार्प एकिंग पेन हो सकता है आपके लोअर एब्डोमेन में, सिस्ट के साइड पे, लेफ्ट साइड सिस्ट है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड सिस्ट है तो राइट साइड. उसके अलावा पेट भरा भरा लग सकता है बिकॉज एक पेट में बड़ी जगह खाएगा सिस्ट. उसके अलावा आपको ब्लोटिंग रह सकता है बिना किसी कारण के, बिना किसी दवा के, बिना और किसी भी दवा से ठीक नहीं होने वाली ब्लोटिंग होती जा रही है फीमेल्स में, तो हमें अल्ट्रासाउंड करा के देखना होता है भैया कुछ और गोला तो ना है अंदर. सो दैट इज देयर. फिर भी ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन को अल्ट्रासाउंड करना है, लेकिन इमीडिएट अटेंशन तब चाहिए आपको अगर आपका पेन जो है उसके साथ वॉमिटिंग हो रही है और फीवर हो रहा है. पेन इन एब्डोमेन, फीवर, वॉमिटिंग, गो टू अ डॉक्टर. फिर इसके अलावा अगर आपको फीवर, मतलब पेन इन एब्डोमेन के साथ में सडन राइज हो रहा है, पेन जो है बहुत ही तेजी से बहुत ज़्यादा हो गया है, पेन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, तब भी हम इसको जैसा मैंने कहा एक इमरजेंसी टाइप्स मानेंगे कि आपको अस्पताल जाके चेकअप कराना चाहिए. तो अब बात करते हैं इसके कारण का, बहुत ज़रूरी बातचीत है ये,
कि भाई ओवेरियन सिस्ट का कारण क्या है। ओवेरियन सिस्ट का नॉर्मली जो कारण होते हैं, सबसे पहले उसके टाइप्स होते हैं। एक होते हैं मोस्ट कॉमन जो होती हैं कि आपके खुद के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डेवलप होने वाली सिस्ट, जिसको कहते हैं फंक्शनल सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट सबसे कॉमन है। और उसके अलावा जो दूसरे सिस्ट होते हैं वो होते हैं आपके थोड़े लेस कॉमन, लेकिन वो भी एक पॉसिबल रीजंस होते हैं। सो फंक्शनल सिस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन। फंक्शनल मतलब नॉर्मल ओवरीज अपना नॉर्मल सिस्ट पैदा करती है, जैसे कि फॉलिकल्स, उसमें फॉलिकल होते हैं और फॉलिकल फूटते हैं हर एक महीने, एक फूटता है। अगर फॉलिकल नहीं फूटता है तो ग्रो होते जाता है और फंक्शनल सिस्ट बना देता है, उसको हम फॉलिकुलर सिस्ट बोल सकते हैं। अगर फॉलिकल फूट भी गया उसके बाद जो निकलता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कई बार कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिस्ट बना देता है, फॉलिकल जो है एग बना देता है और एग जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाने लग जाता है, कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बोलने लग जाते हैं, उसको फिर हम कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बोलते हैं। तो एक फॉलिकुलर सिस्ट, एक कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट, ये दोनों के दोनों फंक्शनल सिस्ट है। दोनों के दोनों फंक्शनल सिस्ट में आपको समय लगेगा। फंक्शनल सिस्ट में आपको आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई हार्म नहीं होगा। फंक्शनल सिस्ट का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा मैंने कहा, फंक्शनल सिस्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल सिस्ट। और उसके अलावा देर आर कॉजेज विच आर लाइक डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड मतलब ऐसे सिस्ट जो कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ ओवरीज मेंस्ट्रुअल साइकिल के से नहीं रिलेटेड। एक हो गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है उसके चलते सिस्ट बन गया, एक होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है फिर भी सिस्ट बन गए, तो वो थोड़े से डेंजरस सिस्ट होते हैं। दीज आर डर्मोइड सिस्ट। अब ये क्या है कि एक तरीके के टेराटोमास हैं, मतलब इसमें ये एक तरीके का ट्यूमर है, बट कैंसर नहीं है, फैलेगा नहीं, मारेगा नहीं, मगर एक तरीके का ट्यूमर है। इसमें अलग अलग तरीके के सेल्स हो सकते हैं, स्किन के, हेयर के, टीथ के, दांत हो सकते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल हो सकते हैं, उससे बनते हैं ये, तो वो डर्मोइड सिस्ट कहलाते हैं। इसका भी गांठ हो सकती है ओवरी के अंदर, ओवरी के ऊपर सिस्ट एडिनोमा हो सकते हैं। सिस्ट एडिनोमा मतलब म्यूकस भरा सिस्ट है जो ओवरी के अंदर आ गया है, वाटर या म्यूकस मटेरियल है, वो भी एक अलग सिस्ट हो गया। और एंडोमेट्रियोमास हो सकता है, मतलब यूट्रस की वॉल जो होती है, इनर वॉल, उससे सिमिलर वाला सिस्ट है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोमा, एंडोमेट्रियल सिस्ट। अब इसमें क्या है, जो डर्मोइड सिस्ट है और जो सिस्ट एडिनोमा है वो बहुत बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े कि पूछो मत, और इतने ज़्यादा पेनफुल हो जाएंगे फिर बड़े होने के बाद कि वो ओवरी को घुमा भी सकते हैं, टॉर्शन कर सकते हैं, और वो अपने आप में एक इमरजेंसी हो जाएगी, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर सिस्ट में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर फंक्शनल सिस्ट होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अलग अलग प्रकार के सिस्ट होते हैं। इसमें अगर ब्लीडिंग हो जाए तो चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, अंदर ही अंदर सिस्ट के अंदर ब्लीडिंग हो जाए तो उसमें चॉकलेट जैसा खून आ जाता है। उसके बाद अगर बोले किसको होगी सिस्ट किसको नहीं होगी, तो हार्मोनल प्रॉब्लम्स जिनको है, जो लोग फर्टिलिटी की दवा ले रहे हैं, जिन लोगों को वैसे ही हार्मोनल इश्यूज हैं, उनके सिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी से भी कई बार सिस्ट रह सकता है, राइट? कई बार सिस्ट कैन फॉर्म व्हेन यू ओवुलेट, और वो वैसा ही रह सकता है थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, पॉसिबल होता है प्रेगनेंसी के दौरान। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें भी सिस्ट बनता है, यानी एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग अलग अलग जगह ग्रो कर रही है आपके यूट्रस गर्भाशय के ऊपर ही, दैट अगर नीचे की जगह पेल्विस में इन्फेक्शन हो जाए तब भी आपको सिस्ट हो सकता है पेल्विक इन्फेक्शन के वजह से, और अगर पहले कभी आपको सिस्ट हो चुकी है तो प्रीवियस हिस्ट्री के चलते आपको सिस्ट हो सकता है। सो ये हो गए सारे के सारे कारण, सारे के सारे सिस्ट के टाइप। और सिस्ट में दो प्रकार के बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वैसे ज़्यादातर में कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, हुआ तो दो होगा, एक तो सिस्ट फूट जाएगा, उसको कहते हैं सिस्ट रप्चर। रप्चर हो गया तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, सिवियर पेन हो सकता है, आपको अस्पताल दौड़ना पड़ सकता है, विगरस पेन हो सकता है। और दूसरा होता है ओवेरियन टॉर्जन, ओवरीज घूम के मरुड़ गया, ओवरीज की रूट मुड़ गई, घूम गई, तो दैट कैन कॉज ओवेरियन टॉर्जन। वो भी बहुत जोरदार दर्द करेगा, अल्टीमेटली जैसा मैंने बताया बहुत जोर से दर्द है, पेट के अंदर बहुत बढ़ गया एकदम से, अस्पताल जाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, दिख जाएगा।
दैट इज ऑल अबाउट द सिस्ट विच यू नीड टू गो नो. अब इसके लिए प्रिवेंशन के लिए आपने सिर्फ रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना है अपने डॉक्टर से, और अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मॉनिटर करिए. मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी है तो डॉक्टर से डिस्कस करिए कि क्या मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे. दैट इज ऑल अबाउट ओवेरियन सिस्ट विच यू नीड टू नो. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हमारा यानी डॉक्टरों का काम है. आई एम नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, यू कैन गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क.